फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते समय हम उनके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए जितने पौष्टिक फल और सब्जियां होते हैं उतने ही इनके छिलके भी हैं। आइए जाने कौन सी सब्जियां और फलों को हमें छिलके समेत खाना चाहिए। सेब के छिलके। सेब मिनरल और विटामिन से भरपूर फलों में से एक फल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आधे से अधिक पोषक तत्व सेब के छिलकों में पाए जाते हैं। इसके छिलके में पल्प से 4 गुना ज्यादा विटामिन के होता है, जो ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। सेब के छिलके में घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, जो कि शरीर में पाए जाने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं। गाजर के छिलके। गाजर के छिलके में भीतरी भाग से ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पाया गया है कि गाजर के छिलके में विटामिन जैसे B6, C और A के साथ महत्वपूर्ण लवण जैसे मैग्नीशियम और पोटाशियम भी पाए जाते हैं। इस सब्जी के छिलके न केवल आपको पोषक तत्व प्रदान करते हैं, बल्कि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को कैंसर को रोकने और प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करते हैं। आलू के छिलके। आलू लगभग सभी की मनपसंद सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू के छिलकों में आलू से ज्यादा गुण होते हैं। छिले गए आलूओं में गुणों की मात्रा आधी ही रह जाती है। इसके छिलकों में कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, आयरन आदि होते हैं। आप सिर्फ आलू के छिलके का इस्तेमाल करके अपने आहार में विटामिन ए पा सकते हैं। विटामिन ए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। केले के छिलके। क्या आप भी केला खाकर उसके छिलके को कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केले के छिलके की मदद से आपके शरीर को बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। केले के छिलके में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जो इम्यूनिटी को मजबूत कर इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे punjabkesari.com के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा फेसबुक पेज punjabkesari.com लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यश खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।